शाम के चलने के लिए जब शाम जब गति करेगी जब उसमें कंपन होगा, यदि कंपन नहीं होगा तो शाम तक नहीं चलती है कोई भी ध्वनि आगे नहीं बढ़ती है। इस प्रकार के ये कठिन है आप तक आवाज़ बनेगी, ध्वनि बन जाएगी तो आपके पास तक इससे जो आवाज़ है ध्वनि है वो नहीं पहुँचेगी। तो ध्वनि के चलने के लिए माध्यम चाहिए और माध्यम हमारा जो है एयर है, जनरली एयर से जो उसको पार्टिकल टकराते हैं तब वो आगे प्रोपेगेट करती है और जहाँ पर कंपन नहीं होगा तब आपकी ध्वनि जो है प्रोपेगेट नहीं करेगी। इससे बनाने के लिए तो ये एपेटस है आपके पास और इसको जो डॉक्टर्स होते हैं ENT वो भी इसका प्रयोग करते हैं, कान मरा चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें लेकर इस प्रकार से पानी में डाल कर सकते हैं तो ये वाइब्रेट पानी में इसमें यहाँ पे तरंगे उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार दिखाने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये सर तरंगे दिखाने के लिए जैसे आप क्लोजअप लीजिएगा सर, देख रहे हैं आप इस तरीके से हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि तरंगे जब उठती है तो तभी हमारा जो साउंड है वो ट्रेवल कर रहा है। तो ये देखिए इसको हम बड़े बर्तन में ले सकते हैं, जैसे ये ग्लास है कटोरी में लेंगे तो और बढ़िया, कटोरी में और अच्छे से उसमें तरंगे जो है मेटल से भी अलग दिखा सकते हैं, जैसे ये प्लास्टिक से कर लिया एक दो बार टकराया उछला और उठ गया, देखिए कुछ हुआ नहीं। लेकिन यही अब हम इसको दोनों चीजों में देखेंगे, ये देखिए किनारे से है ना और ये देखिए